या हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई स्टार्ट्स आवर चैप्टर थर्ड हिस्ट्री नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर थर्ड इन ऑफ CBSE क्लास 9th हिस्ट्री डिस्कस द राइज ऑफ हिटलर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाज़िज़्म, द चिल्ड्रंस एंड वीमेंस इन नाजी जर्मनी स्कूल एंड कंसंट्रेशन कैंप्स। इट फर्दर हाईलाइट्स द फैक्ट्स रिलेटेड टू नाजी जर्मनी स्कूल एंड कंसंट्रेशन कैंप। इट फर्दर हाईलाइट्स द फैक्ट्स रिलेटेड टू नाजीज एंड हाउ दे डिनाइड वेरियस माइनॉरिटीज अ राइट टू लिव, एंटी जेविस फीलिंग, battle against democracy and socialism. The social science history notes of CBSE class 9 chapter 3 are easily understandable and cover most of the concept the engagingly. With the help of these notes, students can master all topics given in the chapter. To ye aapko नोट्स भी है, आपके लिए नोट्स भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा हो रहा है, जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और क्लास में फिर समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक आपका है द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक मतलब वाइमर गणराज्य का जन्म, मतलब उदय जो हुआ, कैसे हुआ, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब अर्ली ईयर्स इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। द जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम था, जिसमें जर्मनी जो है लड़ा और इसको उत्तरदायी भी जर्मनी को ही माना गया, अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, किसके तरफ से, ऑस्ट्रियन एम्पायर के तरफ से, एंड अगेंस्ट द एलाइज पावर। एलाइज पावर मतलब गठबंधन शक्ति जो थी, इंग्लैंड फ्रांस एंड रसिया, ये गठबंधन थी, ये एक साथ लड़ रही थी। ऑल रिसोर्सेस ऑफ यूरोप वर डिनाइड ड्रेंड आउट बिकॉज ऑफ द वार, मीन्स यूरोप की जो सभी रिसोर्स संसाधन थे इस युद्ध में ड्रेंड आउट, मतलब एक तरह से बह गए थे, जैसे कि समाप्त हो गए थे। जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम, जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश एलाइज स्ट्रेंथ बाई द US एंट्री इन 1917, एलाइज पावर की शक्ति बढ़ गई जब US 1917 में इंटर कर गया। पहले तो US शामिल नहीं था, लेकिन जब US के एक पोर्ट पे जो है अटैक हुआ तो भी इस युद्ध में जर्मनी के अगेंस्ट हो गया। वन डिफीटिंग जर्मनी, और उसमें एलाइज पावर जीता, जर्मनी की हार हुई, एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। जर्मनी और सेंट्रल पावर तो दो ग्रुप में था, एक सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी और उसके साथ ही ऑस्ट्रियन एंड अदर कंट्रीज थे, और एलाइज पावर गठबंधन पावर जो था जिसमें इंग्लैंड फ्रांस रसिया और अमेरिका भी आ गया। तो इस तरह से नवंबर 1918 में उसकी हार हुई। एट वाइमर, वाइमर प्लेस पर द नेशनल असेंबली मेट एट इस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। नेशनल असेंबली जो राष्ट्रीय असेंबली थी वहाँ पे मीटिंग हुई और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकतांत्रिक संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे का निर्माण किया गया। इन द जर्मन पार्लियामेंट द डिप्टीज वर इलेक्टेड,
ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वीमेंस। जर्मन पार्लियामेंट में डिप्टीज वर इलेक्टेड, मतलब जो उनका चुनाव किया गया किस बेस पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बेस पर, मतलब कि जो एडल्ट हैं चाहे मेन हो वीमेन, सबको वोट देने का अधिकार हुआ उसमें। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज को खो दी, जो उस कब्जा उसके अंदर में था उसको वापस करना पड़ा। वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी, जबकि पूरे युद्ध का जो है गिल्टी जो है जर्मनी को ही माना गया, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, उत्तरदायी उसको माना गया युद्ध के लिए है। एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्रीज सफर्ड, और जो एलाइड कंट्रीज थी जो उसमें नुकसान हुआ उस सब का भरपाई जो है जर्मनी को करना पड़ा। जर्मनी के ऊपर हैवी टैक्स और लोड लगा दिया गया। वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्रीज सफर्ड, द एलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड, और इनकी जो गठबंधन सेना थी उसने रिनलैंड पर पुनः 1920 पर में कब्जा कर लिया। द इफेक्ट्स ऑफ द वार, द एंटायर कॉन्टिनेंट वॉज डिवास्टेटेड बाई द वार बोथ फिज साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशली। पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा यूरोप महाद्वीप जो है उस समय मनोवैज्ञानिक और फाइनेंशली मतलब इकोनॉमिक ढंग से डिवास्टेटेड, पूरी तरह से तबाह था। द वार ऑफ गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन वाज कैरीड बाय द रिपब्लिक एंड वाज फाइनेंशली क्रिप्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। वार ऑफ गिल्ट मतलब जो युद्ध का अपराध और अपराधी, एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन मतलब राष्ट्रीय मानवता जो तार तार उस समय हुई थी उसको रिपब्लिक फाइनेंशली क्रिप्ट बाई बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन, फोर्सली जो है उसको मतलब करने के लिए किया गया। सोशलिस्ट कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, जो सोशलिस्ट थे कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स ये वाइमर रिपब्लिक का सपोर्ट कर रहे थे। एंड दे वेयर मॉकिंगली कॉल्ड, और वो मॉकलिंग मतलब जैसे कहते हैं शांत चुपचाप, उनको क्या कहते थे, नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाने जाते थे, कि ये इन्हीं को अपराधी मानते थे। जो जर्मनी की जो ये हालत हुई थी उसका रीजन इसी को मानते थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। पहला वार जो विश्व युद्ध हुआ ये यूरोपियन सोसाइटी और उसके राजनीति पर एक गहरा छाप छोड़ा, बुरा। सोल्जर्स आर प्लेस्ड अबव सिविलियन, बट अनफॉर्चुनेटली सैनिकों की जो पोजीशन थी नागरिकों से ऊपर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सैनिक बड़ी दयनीय जीवन गुजार रहे थे। डेमोक्रेसी वाज एंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, उस समय लोकतंत्र एक नवयुवक के रूप में था, एक नया बच्चा की तरह बढ़ उत्पन्न रहा था, और एक बहुत फ्रेजाइल विचार था विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज इन ऑफ इंटरवार यूरोप, जो कि उस अस्थायी दौर में जो कि यूरोप में आंतरिक युद्ध हो रहे थे उसमें वो डेवलप नहीं कर सकता था। द वाइमर रिपब्लिक बर्थ क्वाइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न्स ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया। वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था क्वाइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, मतलब जो क्रांतिकारियों का जो अपराइजिंग वो बढ़ रहे थे, और स्पेड लीग द पैटर्न्स ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया, किस बेस पर, जैसे कि रशिया में बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, उसी बेस पर वो आगे बढ़ रहे थे। दे क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार, क्रश द अपराइजिंग मतलब वो जो वार विद द हेल्प ऑफ वार, वार के युद्ध के मदद से जो अपराइजिंग खिलाफ जो बढ़ रहा था उसका दमन, द वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉ कॉर्प उसको कहते थे, द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकम इनमीज, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों क्या हो गए थे, एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। द पोलिटिकल रेडिकलाइजेशन द हाइटेंड बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, 1923 इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आर्थिक जो क्राइसिस थी वो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को एक तरह से
कम कर दिया था। जर्मनी रिफ्यूज टू पे, जर्मनी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था 600 बिलियन और जो उसके कुछ रिसोर्स को कब्जा कर लिया था, कुछ चीज़ें फ्रांस और ब्रिटेन पुनः क्षेत्र को अपने अंदर में उनको दे दिया गया था, इन सब चीज़ों से वो उबरने के लिए उसने मना कर दिया टैक्स देने से। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, और जो फ्रेंच ने ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग, फ्रेंच जो है उसके कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, औद्योगिक क्षेत्र जो उसके जो बढ़ रहे थे प्रोडक्शन, वहाँ को ऑक्यूपाई कर लिया। द रूर टू क्लेम दियर कोल, और कोल के लिए क्लेम किया रूर ने कि कोल हम सप्लाई नहीं करेंगे। एंड द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड एवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, और उस समय ये स्थिति आ गई थी कि रोटी मतलब ब्रेड के दाम के लिए, एक ब्रेड के दाम के लिए जर्मन में एक बैलगाड़ी नोट्स भर के ले जाइए तब कहीं एक रोटी मिलती, मतलब जर्मन मुद्रा इतनी नीचे गिर गई थी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी, और लोग जो है वर्ल्ड वाइड सिंपैथी अर्थात सहानुभूत के लिए नज़रें लगाए पड़े थे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब मुद्रा हमारी फ्लैक्चुएट कर जाए, मुद्रा स्फीत दर बहुत कम हो जाए, तो इस स्थिति को हम ऐसी क्राइसिस थी उस समय, सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज द फेनोमेला हाई, कीमतें जो हैं एक ऐसी ऊंची हो जाए, मतलब कि इतनी हाई कॉस्ट हो जाए और मुद्रा वैल्यू जो है बिल्कुल कम हो जाए। नेक्स्ट है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की स्थिति, डिप्रेशन का दौर चला, ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सम स्टेबिलिटी, इस दौरान कुछ अस्थायी दौर चला क्योंकि कुछ सुधार काम किए गए। द सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स वाज विड्रॉन, शॉर्ट टर्म लोन लोगों को दिया गया व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929, जब वॉल स्ट्रीट चेंज जो दलाल पद जैसे हमारे यहाँ है, ये जो एक्सचेंज 1929 में क्रैश कर गया, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड, उस समय बहुत आर्थिक तनाव की स्थिति शुरू हो गई। जैसे आज कोरोना के दौर में जो इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो सरकार उससे उबरने के लिए लोगों को कुछ लोन कुछ फंड प्रोवाइड करा रही है, जिससे लोग अपनी पुनः जीविका अपने पुनः उत्पादन को शुरू कर सकें और इकोनॉमिक लाइन पर आ सकें। ऐसे ही हमेशा जब भी ऐसी स्थिति आई है कुछ न कुछ हुआ है। एंड ओवर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स, अगले तीन वर्षों बिटवीन 1929 टू 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द USA फेल बाई हाफ, USA की भी जो नेशनल इनकम थी लगभग आधी रह गई। द इकोनॉमिक ऑफ जर्मनी वाज द वर्स्ट हिट, और जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बुरी धरातल पर आ गई थी। वर्कर्स बिकेम जॉबलेस एंड बेंट ऑन स्ट्रीट्स विद प्लेकार्ड्स, वर्कर्स जो है जॉबलेस हो गए और गलियों में आ गए प्लेकार्ड सेइंग करते हुए, विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम मिल जाए, मतलब कि स्थिति में कि उनको कोई भी काम जीविका चलाने के लिए मिल जाए। यूथ इंडल्ड देमसेल्फ इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, और नया वर्ग जो था, युवा वर्ग था, अपने को आपराधिक मामलों में जो है एक्टिव कर लिया, जैसे अत्याचार भ्रष्टाचार चोरी चमारी ये सब चीज़ें, और ऐसी स्थिति में बढ़ती भी हैं। द मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेसमैन वर फिल्ड विद फियर, जो मिडिल क्लास था मध्यम वर्गीय और छोटे मोटे बिजनेसमैन, वो डरे हुए थे कि द प्रोलिटरनाइजेशन एनेक्सिटी ऑफ बीइंग, चिंता इस चीज़ की लगी रिड्यूस टू द रैंक, कहीं रैंक उनकी घट न जाए कम न हो जाए, ऑफ द वर्किंग क्लास और अनएम्प्लॉयमेंट, वर्किंग क्लास और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की स्थिति। द पोलिटिकल आल्सो द बाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, और राजनीतिक रूप से जो बाइमर गणराज्य था वो भी जो है फ्रेजाइल, मतलब उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। द बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स मेड इट अनस्टेबल एंड द वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका इनहेरेंट डिफेक्ट था, उसमें कुछ कमियाँ ऐसी थी जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाह की तरफ उभर रही थी।
वन इनहेरेंट डिफेक्ट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या था उसमें कमियां, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो प्रोपोर्शनल एक रेशियो में नहीं थी। एनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 40, और दूसरी कमी क्या थी उस संविधान की, 48 विच गेव द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को पावर दिया था इम्पोज इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाने की, सस्पेंड सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों को सस्पेंड करना, निलंबित, एंड रूल बाय डिक्री, और रॉयल डिक्री के मतलब जो था उसके द्वारा रूल करना। अब इसी में हिटलर्स की राइज हुई, हिटलर के पावर, हिटलर रोज टू पावर, ही वाज बॉर्न इन 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, एंड स्पेंड हिज यूथ इन पावर्टी, और अपनी जवानी जो है अपनी बचपना वो गरीबी में बिताया था। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, पहले विश्व युद्ध में वो आर्मी के लिए एनरोल हुआ, शामिल हुआ, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, मैसेंजर के रूप में, एंड बीकेम आ कारपोरल एंड अर्न्ड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके उसने हिस्सा लिया, बहादुरी के साथ किया, और उसको बहादुरी मेडल भी मिला। हिटलर ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप, वो एक छोटे से ग्रुप में ज्वाइंट हुआ जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी 1919। ही टूक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, उसने उस संस्था को अपने हाथ में एक तरह से लिया और उसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, विच लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, बाद में जो कि नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, क्या किया उसने, कंट्रोल पावर बावरिया को कंट्रोल करने का, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और बर्लिन से मार्च किया, बर्लिन वहाँ की कैपिटल है जर्मनी की, और पावर मतलब कैप्चर कर लिया। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजीज बिकेम अ मास मूवमेंट, ग्रेट डिप्रेशन जो उस समय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों क्राइसिस की स्थिति थी, उस समय एक नाजीम जो है जन आंदोलन बना। आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स, बैंक जो सीमित हो गए, बिजनेस शट डाउन, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स लॉस्ट दियर जॉब और अपने जॉब को खो दिया, एंड मिडिल क्लासेस वेयर थ्रीटेंड विद डिस्ट्यूशन। इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में नाजी प्रोपोगंडा स्टेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, जो नाजी प्रोपोगंडा था अर्थात नाजी विचारधारा जो नाजी अपना प्रचार प्रसार कर रहा था, लोगों के लिए एक फ्यूचर दिखाई दिया कि शायद ये जर्मनी का उद्धार करे। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपुल, मोदी की तरह हिटलर भी एक पावरफुल स्पीकर था, एक शक्तिशाली वक्ता, उसकी बातों में जादू की तरह लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। इन हिज स्पीच ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अपने भाषण में वो वादा करता था कि हम एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, अंडू द अनजस्टिस ऑफ द बैसिलीज ट्रेटी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बर्सिलीज में संधि हुई थी और उसके दौरान जर्मनी के ऊपर जो इतने टैक्स लगाए गए थे और उसका दोषी पाया गया था, उसने कहा मैं इस अन्याय का बदला लूँगा, ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, और जर्मन लोगों के खोई हुई जो है खोई हुई ताकत को, खोई हुई जो है सम्मान को वापस लाएंगे। ही आल्सो प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग, और वो युवा वर्ग में ज़्यादा विश्वास रखता था और उसने वादा किया कि जो लोग अपने जॉब को खो दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हम उनको रोजगार भी देंगे, फ्यूचर द यूथ। ही प्रॉमिस्ड टू बीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, उसने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि जैसे घास पतवार को हम उखाड़ फेंक देते हैं, ऐसे विदेशी प्रभावों को, रेजिस्ट ऑल फॉरेन द कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, जो जर्मनी के खिलाफ जो है एक तरह से घृणा और जो मतलब बुरी भावना रखते हैं उनको हम उखाड़ फेंकेंगे। हिटलर खड़यंत्र करने वालों को, हिटलर स्टार्टेड फॉलोइंग अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नई तरीका अपनाया, हिज फॉलोवर्स हेल्ड बिग रैलीज, उसके अनुयायी बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, प्रदर्शन करते थे और नाजी प्रोपोगंडा नाजी की विचारधाराओं को फैलाते थे। हिटलर्स वाज कॉल्ड अ मसीहा, उस समय मसीहा जाने जाने लगा, एज अ सेवियर बचाव करने वाला, ही समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम दियर डिस्ट्रेस,
वो इस रूप में देखते थे जैसे कोई उनके इस तनाव को दूर करने के लिए कोई भगवान आ गया हो। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर द चैंसलरशिप, एक ये भी बहुत उसके लिए अच्छा था और जर्मनी के लिए देखा जाए तो एक बुरी घटना थी। चांसलरशिप का ऑफर किया इन 1933 द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर, जो कि उस समय कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में हाईएस्ट पोजीशन था जर्मनी के चांसलरशिप, टू हिटलर्स द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स, मतलब जो सस्पेंडेड सिविक राइट मतलब 1933 में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, एंड फायर डिक्री जो उसमें राशि कागज़ थे डॉक्यूमेंट थे आग लगा दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बाइमर संविधान के द्वारा गारंटी दी गई थी लोगों की आज़ादी प्रेस की आज़ादी, इन सब पे बैन लगा दिया गया। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड व्हिच एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, एक्ट पास किया गया जिससे जर्मनी में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप हो गया। द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी, मीडिया आर्मी जुडिशरी न्यायपालिका इकोनॉमिक सब कंट्रोल उसके हाथ में हो गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, जो आम पुलिस थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म में हो गई, ऐसे और द स्टॉर्म ट्रूपर्स दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेस अर्थात एसडी। रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण जो था, द इकोनॉमिक रिकवरी वाज असाइन टू द इकोनॉमिस्ट द हेजल मार्स सचेट बाय द हिटलर हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए उस समय अर्थशास्त्री हेजल मार्स सचेट को हिटलर ने नियुक्त किया और इस उद्देश्य से कि प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब उत्पादन और रोजगार लोगों को कैसे मिले, इस चीज़ के लिए प्रोग्राम क्रिएशन मतलब कार्यक्रम बनाना। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपुल्स कार, किस रूप में हुआ सुपर हाईवेज और लोगों कार जैसे वोल्क्सवैगन। हिटलर्स रूल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1933 में। रीऑक्यूपाइड द रिनलैंड, उसने जो लीग ऑफ नेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था कि अब कोई ऐसी युद्ध नहीं होगी, इसीलिए ये संगठन बनाया गया था, लेकिन इसके नियमों को तोड़ते ही उसने रिनलैंड पर पुनः आक्रमण कर दिया एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया पुनः एक हो गए इन 1938 अंडर द स्लोगन इस नारे के साथ, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, एक लोग एक जनता एक सरकार एक साम्राज्य। सचेट एडवाइज, जबकि उस समय सचेट जो अर्थशास्त्री था उसने एडवाइस किया कि हिटलर जो है अपनी मनी को इकोनॉमी को ज़्यादातर आर्मी और अस्त्र को बढ़ाने में ना इन्वेस्ट करे जिससे फाइनेंशियल डिफेक्टिंग आ सकती है, लेकिन उसकी बात को नहीं किया बल्कि उसको अपने पद से रिजाइन दे देना पड़ा। द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी विचारधारा क्या था, नाजी आर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, नाजी क्या था एक सिस्टम ऑफ बिलीफ विश्वास प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दियर आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा के अनुसार उनकी एक विचारधारा थी नाजी, नाजी कुछ नहीं था एक आर्यन साम्राज्य एक वर्ण विशेष था। देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में कोई समानता नहीं हो सकती, बट ओनली अ रेशियल हायरेची, एक रेशियल हायरेची एक वर्ण था। रेसिस ऑफ हिटलर बारोड फ्रॉम थिंकर्स, किससे लिया था उसने इस रेसिज्म को, थिंकर्स उस समय जैसे सम साइंटिस्ट लाइक चार्ल्स डार्विन जो नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने जिन्हें फादर ऑफ हम एवोल्यूशन कहते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सेलेक्शन एंड हर्बर्ट स्पेंसर जो उस समय दिए थे कि जातियों का वर्ण जो होता है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होता है, जो शक्तिशाली होंगी वो जिंदा रहेंगी, जो एबल नहीं हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसी की विचारधाराओं को लेकर के उसने नाजी प्रोपोगंडा और आर्यन रेसिज्म किया। द आर्गूमेंट्स ऑफ द नाजी वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो शक्तिशाली रेस है एंड सर्वाइव करेगी एंड वीक वन शुड इज पेरिस, जो कमज़ोर होंगी वो समाप्त हो जाएंगी।
द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट हु रिटेन्ड इट्स प्योरिटी, जो अपनी शुद्धता को एकदम प्योर, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेटेड द वर्ल्ड। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पोलिटिकल, दूसरा जो उस हिटलर्स की आइडियोलॉजी थी किस पर था, जियो पोलिटिकल मतलब भौगोलिक इको राजनीतिक तौर पर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिवेंसरम आर लिविंग स्पेस हिटलर्स इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाई मूविंग एस्टवार्ड, अपनी बाउंड्री को उसने बढ़ाया, मूविंग एस्टवार्ड मतलब पश्चिमी तरफ बढ़ते हुए, इट द कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, उसने जितने भी जर्मन्स स्पीकिंग लोग जहाँ जहाँ फैले हुए थे उन सब को कब्जा करके एक बनाना चाहता था एक स्पेस पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, नाजी केम इनटू पावर एंड क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट्स दियर ड्रीम्स ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स, दे वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। किस रूप में चाहता था वो सोसाइटी, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन, नॉजी नॉर्डिक आर्यंस ही हों केवल, अंडर द इथनसिया प्रोग्राम हेलमुट्स फादर, जैसे कि पहले पैराग्राम में बताया गया 13 इयर्स बॉय एक हेलमुट्स नाम का, और उसके पिता माता पिता जो है सोते हैं रात में और वो आपस में डिस्कस करते हैं, एक फियर डर उनके अंदर है कि कहीं जो इस उन लोगों के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि उन लोगों ने आर्यन नाजी सपोर्टर थे और उसका पिता एक डॉक्टर था, और ऐसे जो वीक और कमज़ोर फिजिकली मेंटली अनफिट होते थे उनको डेड कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, जिसमें उसने साथ दिया था। जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया, जर्मनी ने पोलैंड और रसिया के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया, सिविलियंस एंड फोर्स नागरिकों को वहाँ के, और उनको फोर्स किया गया वर्क एज स्लेव लेबर, दास्ता मतलब बेगार करने के लिए। ज्यूस रिमेन द वश सफर्स इन नाजी जर्मनी, ज्यूस की स्थिति तो बदतर हो चुकी थी नाजी जर्मनी में, उनको कोई स्थान ही नहीं था, बहुत दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिटलर्स हेटेड ज्यूस, ज्यूस से मतलब यहूदियों से हिटलर हेट करता था, घृणा करता था, बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक, एक फाल साइंटिफिक थ्योरीज के आधार पे रेस। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजी टेरराइज्ड पापराइज्ड एंड द सेग्रीगेटेड द ज्यूस, ज्यूस मतलब नाजियों का आतंक कितना हो गया था, सेग्रीगेशन मतलब पृथककरण जो है ज्यूस का, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, देश को छोड़ने के लिए, और कितने ज्यूस के पुलिस का इनका मतलब हत्या की गई, द रेसियल उटोपिया, द जीनोसाइड एंड वार। जीनोसाइड का मतलब होता है कि जिसमें एक जीन से रिलेटेड मतलब एक प्योर उसमें, और जीनोसाइड जिसमें कि रेसियल वार जिसको हम कह सकते हैं कि यहूदियों और उनको जो है मृत्युदंड और अदर को किया गया। वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइंस, पोलैंड वाज डिवाइडेड एंड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड एंड एनेक्स टू जर्मनी, पोलैंड डिवाइड कर हो गया, बट गया नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड और जर्मनी द्वारा कब्जा किया हुआ पार्ट। पीपुल ऑफ पोलैंड वर फोर्स टू लीव, पोलैंड के लोगों को फोर्स किया गया कि अपने घर प्रॉपर्टी को छोड़ करके भागें। मेम्बर्स ऑफ द पोलिस द इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर, काफ़ी संख्या में उनको उनकी हत्या की गई। पोलिश चिल्ड्रेन हु लुक्ड लाइक आर्यंस, जो आर्यन की तरह दिखते थे उनको फोर्सिबली नैज दियर मदर उनकी माता से छीन लिया गया, और उनकी जांच परीक्षण की गई कि ये रेसियल एक्सपर्ट मतलब द्वारा कि ये आर्यन हैं कि नहीं हैं। यूथ इन द नाजी जर्मनी, अब नाजी जर्मनी में यूथ की क्या पोजिशन थी, हिटलर वाज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, स्कूल्स वर क्लीन एंड प्योरीफाइड, स्कूल को साफ सुथरा शुद्ध किया गया। जर्मन्स एंड ज्यूस वर नॉट अलाउड, जर्मन्स और ज्यूस अलाउड नहीं थे सीट आर प्ले टुगेदर, आर्यन के साथ बैठने के या खेलने के लिए।
इन 1940 ज्यूज वर टेकन टू द गैस चैम्बर, ज्यूज को गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाता था। गैस चैम्बर वहाँ पे तरह से मृत्युदंड सजा देने के लिए होता था, बड़ा सा हाल जिसमें लोगों को कैप्चर करके बंद कर दिया जाता था और गैस से वो अपना सुसाइड मतलब मर जाते थे सब। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेसियल साइंस ऑफ जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, चिल्ड्रेन वर टॉट टू बी लॉयल, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि एंड सबमिसिव हेट ज्यूज, वो हिटलर के प्रति लॉयल हों और ज्यू से घृणा करें, वर्सिप हिटलर, उनकी पूजा करें। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर रिस्पॉन्सिबल, और इसके लिए उत्तरदायी कौन था यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एजुकेट करे जर्मन यूथ को स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद की भावनाओं को। एज ऑफ 14 बॉयज हैड ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, 14 साल की उम्र में बच्चों को नाजी यूथ जर्म में शामिल होना पड़ता था, ज्वाइन करना पड़ता था। वर टॉट टू वर्शिप वार, ग्लोरीफाई एग्रीएशन एंड वायलेंस, कंडमन डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूस कम्युनिटीज, जिप्सी ज्यूस, जिप्सी पोलिस, इन करीब लाखों से अधिक जो है ज्यूस को मारा गया और लाख के करीब जो है ज्यूस जिप्सी एंड पोलिस को हत्या कर दी गई। ऑल दोज कैटेगरीज एंड अनडिजायरेबल, ये सब कैटेगरीज और अनडिजायरेबल मतलब जो कि डिजायरेबल नहीं, मतलब जिनको अनडिजायरेबल कर दिया गया था, जो फिजिकली और मेंटली वीकर थे, लेटर दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज, और बाद में उनको जो है लेबर सर्विस में ज्वाइन करना पड़ता था, फिर एज ऑफ 18 एंड सर्व आर्म फोर्सेस, उसके बाद उनको आर्म फोर्सेस फोर्स में जाना पड़ता था एंड एंटर वन द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और तब उसके बाद नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उनको शामिल किया जाता था। इन 1922 द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मदरहुड मतलब मातृ के प्रति नाजी कल्ट क्या था, नाजी विश्वास जो महिलाओं के लिए। इन नाजी जर्मनी चिल्ड्रेन वर टोल्ड वीमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन, बच्चे को बताया जाता था कि महिलाओं और पुरुषों में डिफरेंस क्या है, महिलाएं पुरुषों से भिन्न कैसी हैं। बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव द मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब मेल जेंडर, मेल प्रभावी, पुरुष प्रधानता एंड स्टील हार्टेड, और एक तरह से दृढ़ मतलब हृदय वाले मजबूत। एंड गर्ल्स वेयर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स, और लड़कियों से कहा जाता था अच्छी माँ हों, एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रेन, और वो एक प्योर एक शुद्ध रक्त मतलब एक शुद्ध जो है आर्यन बच्चों को जन्म दें। गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस, और लड़कियों को भी प्योरिटी रेस करने के लिए कहा जाता था, और ज्यूस से डिस्टेंस बनाने के लिए लुक आफ्टर दियर होम एंड टीच दियर नाजी वैल्यूज, अपने घर की देखभाल करें, अपने बच्चों को नाजी वैल्यू को सिखाएं। अगर कोई जो इस बात को नहीं मानता था, जो नाजी ज्यूस की तरफ होता था, उसको सजा दी जाती थी। ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, और महिलाओं को ऑनर क्रॉस अवार्ड किया जाता था, जैसे इसमें ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल क्रॉस होते थे। 4 बच्चों जो पैदा करते थे उनको ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 बच्चे पैदा करने वाले सिल्वर क्रॉस एंड 8 या उससे अधिक उसको गोल्ड ऑनर क्रॉस से अवार्ड किया जाता था। वीमेंस हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूस, जो ज्यूस से संबंध रखती थी पोलिस एंड रशियन से, वर द परेडेड थ्रू द टाउन, पूरे टाउन के थ्रू उनको परेड कराया जाता था, सर मुड़वा दिया जाता था, उनके चेहरे पे काली पुतवा दी जाती थी, प्लेकार्ड हैंगिंग अराउंड दियर नेक, और उनके गले में प्लेकार्ड लटकाया जाता था अनाउंसिंग आई हैव द स्लाइड द ऑनर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट पॉइंट्स द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा मतलब उनका प्रचार प्रसार का तरीका क्या था। नाजी टर्न मास किलिंग एज स्पेशल ट्रीटमेंट, मास किलिंग मतलब सामूहिक हत्या, फाइनल सोल्यूशन, उसको फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था, अंतिम जैसे मोक्ष निर्वाण के रूप में हम कहते थे ज्यूस के लिए। द एंथेंसिया फॉर द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड लोग थे मतलब दिव्यांग, लूले, लंगड़े, फिजिकली मेंटली, उनको कोई जगह नहीं था नाजी में, मतलब सेलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस। द इवेक्यूएशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, लोगों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाता था और डेथ।
गैस चैम्बर्स वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया, जो उस पर लेबल लगा रहता था ये डिसइंफेक्शन एरिया, मतलब यहाँ सब इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। एंड लुक्ड लाइक द बाथरूम, बाथरूम की तरह होते थे एक्यूट विथ फेक शॉवर हेड, और जैसे शॉवर हेड होता है जो लोग नहाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ऑर्थोडॉक्स द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैश स्लोगन एंड लीफलेट्स, इन सब के थ्रू नाजी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार किया जाता था। ऑर्थोडॉक्स ज्यूक्स वर स्टीरियोटाइप्स एंड मार्ड एंड वर रिफर टू एज बर्मिन, किसकी तरह, बर्मिन मतलब बर्म कीड़े, रैट्स एंड पेस्ट की तरह उनको कुचल दिया जाता था। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, दे सॉट टू विन दियर सपोर्ट बाई सजेस्टिंग दैट नाजीज एलोन कुड सॉल्व दियर, किस रूप में सपोर्ट प्राप्त करना चाहते थे लोगों को, इस तरह से केवल नाजी ही उनके समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डनरी पीपुल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमनिटी, साधारण पीपुल और मानवता के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा था। पीपुल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजी आई, लोग नाजी आई नाजी विचारधाराओं से देखना शुरू कर दिए, नाजी लैंग्वेज, दे फेल्ट हैटर्ड एंड एंगर अगेंस्ट ज्यूज, लोगों के अंदर ज्यूज के प्रति घृणा हो गया, क्रोध हो गया। द ज्यूनली बिलीव्ड नाजी वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और ये विश्वास करने लगे कि नाजी ही जो है हमारे लिए समृद्धि लाएगा, इम्प्रूव जनरल वेलबींग और हमारे जीविका में सुधार लाएगा। पास्टर द न्यू मोलर प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया एंड अनकैनी साइलेंस, शांत ढंग से एमंग्स ऑर्डनरी जर्मन अगेंस्ट ब्रिचुअल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स, जर्मनी साधारण जर्मन के बीच में जो कि ब्रिचुअल मतलब एक तरह से कुरल निर्दयी जो क्राइम्स हो रहा था, लोग जिसको लोगों को पता नहीं था, विश्व के अदर पार्ट्स में ये नहीं पता नहीं था, मैगजीन अखबार में ये छप नहीं पाता था जर्मन में क्या हो रहा है, इतने लोगों की हत्या हो रही, किसी को नहीं पता चल पाता था। द चार कैरलोटी द ब्रेड्स बुक कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, रिक ऑफ ड्रीम्स डिस्क्राइब हाउ ज्यूज themselves began believing in the Nazi stereotypes about them, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ज्यूज कैसे अपने को बिलीव करने लगे थे नाजी स्टीरियोटाइप को, नाजी जो स्टीरियोटाइप्स जो होता है एक फिक्स इमेज लोगों के अंदर जो बन जाना, एक गलत धारणा हम बना लेते हैं तो वही चीज़ सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, जबकि वैसा नहीं होता है। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, होलोकास्ट क्या था, द वार एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 में और 1945 मार्च जर्मनी डिफीट हुआ, जर्मनी सरेंडर कर दिया और हिटलर जो है अपने फैमिली के साथ जो है आर्मीज बंकर में सुसाइड कर लिया, उसके मिनिस्टर्स वगैरह सब सरेंडर कर दिए, वाइल जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद दियर ऑन प्लाइट, पुनः ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड मतलब होता है दोबारा कब्जा होना, दियर ऑन प्लाइट, ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर, जबकि ज्यूस चाहते थे कि वर्ल्ड विश्व याद करे उनके द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंडर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, जो उन लोगों ने संघर्ष किया, जो उन लोगों ने झेला नाजी किलिंग ऑपरेशन के दौरान, लेकिन नाजी ज्यूस जो है वो बदला नहीं लेना चाहते थे। आल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट व्हेन दे लॉस्ट द वार, जब वो युद्ध खो दिए, हार गए, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल, नाजी लीडरशिप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल, पेट्रोल बांटा ऑफ हिट्स फंक्शनरीज, अपने फंक्शनरीज पर, अपने कार्यकर्ताओं के लोगों पर, डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, क्या किया कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस ऐसे प्रमाण जो थे सबको छिड़क करके उस पर आग लगा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर थर्ड, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड वॉच द वीडियो एंड रीड एंड राइट योर नोट्स एंड सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इन फेयर वर्क, एंड इफ यू एनी
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी थैंक्स वेलकम टू आर